झुंझुनू में अचानक से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते जयपुर के संभागीय आयुक्त केसी वर्मा और जयपुर रेंज आईजी एस सेंगाथिर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कर्फ्यू लगाए गए नवलगढ़ कस्बे का दौरा किया। इसके बाद वे झुंझुनू सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों के साथ चर्चा की। बता दें कि नवलगढ़, केरू और घुड़ागोड़जी में एक साथ 8 केस सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने नवलगढ़ और केरू गांव में कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं घुड़ागोड़जी में पहले से ही कर्फ्यू लगाया हुआ था। दोनों अधिकारियों ने झुंझुनू आकर सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। एक मीटिंग नहीं थी आज, तो ये जहां कोरोना वायरस के मामले रिव्यू किया गया है, क्योंकि झुंझुनू एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हमारे जयपुर और जोधपुर के बाद में झुंझुनू में ही सर्वाधिक केसेज हैं। सर्वाधिक केसेज आने के क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे इनसे अपने पार पा सकते हैं, इन सब बातों के लिए आज सारे जो जिले के सीनियर अधिकारी हैं इनसे बात हुई है। आई एस भी पधारे हैं, हम सब ने बात की है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि भाई कैसे इनको रोक सकते हैं, कैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, कैसे होम आइसोलेशन में रखा जाए। से झुंझुनू जिले में 5 कस्बा और 6 गांव में लोग संक्रमित हुए थे, उसको देखते हुए एक तो पूरा राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकेशन झुंझुनू जिले में सेंसिटिव हुआ, उसको विदेश यात्रा से जो लोग लौटे वो संक्रमित हैं और साथ साथ तबलीग जमा। बुलेटिन में यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।